रीढ़ की हड्डी के पुराने मरीजों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब रीढ़ की हड्डी के मरीजों के लिए हमीरपुर शहर में ही सुविधाजनक इलाज मिलेगा। पिछले दो दशकों से रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए काम कर रही सीरा जेम सागर सिप्रेनर थेरेपी का लाभ अब हमीरपुर में ही मिलेगा। हमीरपुर मुख्यालय में निदौन चौक बस स्टॉप के पास खुले सीरा जेम सागर सिप्रेनर थेरेपी में अब रीढ़ की हड्डी के मरीजों के लिए फ्री थेरेपी की सुविधा मिलेगी। प्रबंधक गुरदीप सिंह ने बताया कि सीरा जेम कंपनी 1998 से शुरू होकर पूरे विश्व में काम कर रही है और कंपनी साउथ कोरिया की है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से कंपनी काम कर रही है और भारत में 530 सेंटर काम कर रहे हैं, जिसमें कंपनी के द्वारा डेमो देकर रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए काम किया जाता है। उन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डी की बीमारी के लिए कंपनी के उपकरण से पूरी तरह से राहत मिलती है। उन्होंने बताया कि कंपनी के हमीरपुर सेंटर में किसी भी समय रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए फ्री डेमो लेने के लिए पहुँच सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं अपने सरेम के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम गुरदीप सिंह है और ये सेंटर हम तीनों भाई पिछले 2 साल से चला रहे हैं हमीरपुर के अंदर। जो मेरा नाम गुरदीप सिंह है और ये मेरे बड़े ब्रदर हैं सुरजीत सिंह और छोटे भाई बलजीत सिंह। जो हमारी सरेम कंपनी है, ये कंपनी है जी हमारी साउथ कोरिया की, और कंपनी 1998 से हमारी शुरू हुई थी और पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर कंपनी को चलते हुए जो बात ओवरऑल करें तो कंपनी को चलते हुए कंपनी को 20 साल हो गए हैं जी हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर चलते हुए। और 2005 में कंपनी आई जी हिंदुस्तान के अंदर और 12-13 साल कंपनी को चलते हुए हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर। जो हमारी सरेम कंपनी काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर चाहे पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर, हम एक डेमो देते हैं लोगों को। यहाँ पे हमारी जो काम है मेन रीढ़ की हड्डी को सही करना, जो मशीन हम लगाते हैं रीढ़ की हड्डी को द्वारा, क्योंकि जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो सारा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है और उसी से इस मशीन के द्वारा जो भी बंदा थेरेपी करता है उसे आराम मिलता है, जिसकी वजह करके लोगों को यहाँ पर रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, लोग आना पसंद करते हैं। हमारा काम है लोगों को डेमो देना, इस चीज के बारे में जागृत करना कि एक स्पाइन की इम्पोर्टेंट एक इंसान के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। जी ओवरऑल आप सरेम की बात करें तो सरेम को ऑल वर्ल्ड के अंदर चलते हुए 20 साल, हिंदुस्तान के अंदर 13 साल। जे आप हिंदुस्तान के अंदर सरेम कंपनी की बात करें तो 530 सेंटर हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं। पंजाब हिमाचल की बात करें तो 50 सेंटर हिमाचल के अंदर और पंजाब के अंदर कुल मिलाकर 50 सेंटर बढ़ गए हैं। और लगातार बढ़ने का कारण कंपनी का के लोगों को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो सेंटर कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी कम से कम भी 74 देशों के अंदर हमारी कंपनी आज काम कर रही है। और लगातार इसी काम की वजह करके कि हम अपनी चीज का डेमो देते हैं। डेमोस्ट्रेशन एक सेंटर है जहां पर जो लोगों से पैसा नहीं लिया जाता, यहां पर हम लोगों को एक्सपीरियंस करवाते हैं कि एक इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी कितनी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगातार थेरेपी करते हैं जिसको आराम मिलता है, आराम मिलने के बाद अच्छा लगता है, फायदा होता है, वो बंदा इस मशीन का अपने घर के लिए परचेज भी करता है। जो बंदा सरेम में कोई किसी हालात की वजह करके मशीन नहीं भी परचेज कर पाता वो सेंटर में आता रहता है, लगातार थेरेपी करता है, उसको ऊपर ये कोई जबरदस्ती नहीं कि भी मशीन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरेम एक अच्छा काम करके लोगों को जागृत कर रहा है कि इस रीढ़ की हड्डी की सांभ संभाल लाइफ टाइम के लिए करनी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी ज्यादा जरूरी है। और जे बात करें हमीरपुर सेंटर की तो रोज लोग आ रहे हैं, कम से कम भी पूरे दिन के अंदर 300-350 लोग थेरेपी कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है तभी लोग आ रहे हैं। ये हमारी सरेम कंपनी के व्यू पॉइंट्स हैं और हमारी कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है क्योंकि हमारा काम एक हेल्थ और एक स्पाइन की केयर करना है। हमीरपुर सरेम की जो मशीन ली है लोगों ने, जी 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 बात करें हमीरपुर के अंदर तो कम से कम भी हमारी ये सरेम की मशीन है, जो ज्यादा बात करें तो 200-250 से प्लस ही है, मशीनें कम नहीं है। गौरतलब है कि देश भर में सैकड़ों केयर सेंटरों के माध्यम से काम कर रही संस्था द्वारा अब तक हजारों लोगों की बीमारी का इलाज किया गया है। इसमें मुफ्त तौर पर फ्री थेरेपी कर इलाज कर मरीजों को लाभ पहुंच रहा है। वर्तमान में हिमाचल और पंजाब में 47 केयर सेंटर काम कर रहे हैं जिससे लोगों को इलाज मिल रहा है।